फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता सिंह। आज आप सब लोगों के लिए बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम फ्रेश हरे मटर से बनाएंगे। आप इस नमकीन को फ्रोजन मटर यूज करके भी बना सकते हैं, बट ये फ्रेश मटर से और भी टेस्टी और यमी बनता है। तो चलिए इसके बनाने का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1.5 कप फ्रेश हरी मटर। इन हरे मटर को हम ब्लेंच करेंगे, मतलब कि हम थोड़ा सा उबालेंगे, ज्यादा नहीं उबालेंगे, एकदम हल्का हमें उबालना है। इसके लिए एक पैन ले लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने दिया है। पानी गर्म होने के बाद ये मटर इसमें ऐड कर देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। इस प्रोसेस को करने में हमें 3 से 4 मिनट लगेगा। ये देखिए, मटर पानी में हल्का ऊपर आने लगे। जब सारे मटर पानी में ऊपर आ जाएंगे, इसका मतलब है कि हमारा मटर अच्छे से ब्लेंच हो गया, उबल गया है। बस हमें उतना ही मटर को कुक करना है। इसे हम बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए, लगभग 2 मिनट हो गया है और ऑलमोस्ट आधा मटर ऊपर आ गया है। इसे हम थोड़ी देर और कुक करेंगे। आप इस नमकीन को सुबह की चाय के साथ, शाम के स्नैक्स में कभी भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये सारे मटर हमारे अच्छे तरीके से उबल गए हैं। सारे मटर पानी में देख सकते हैं कि ऊपर आ गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इस मटर को हम किचन टॉवल पे निकाल देंगे, जिससे कि मटर का एक्सेस वाटर किचन टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। इसे किचन टॉवल पे अच्छी तरीके से फैला देंगे और एक टिश्यू पेपर लेके इसे ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जिससे कि ऊपर का भी एक्सेस वाटर ये एब्जॉर्ब कर ले। एकदम हल्का हल्का प्रेस करना है हमें, ज्यादा तेज नहीं करना है। किचन टॉवल ने एक्स्ट्रा वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके तलने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पैन में मैंने तेल डाल दिया, ये अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपना मटर डाल देंगे। इस मटर में हल्की नमी है, तो मटर तेल में डालते हैं। इस तरीके से ढक दें, जिससे कि आपके ऊपर तेल के छींटे ना पड़े। बस इसे थोड़ी देर के लिए ढक दें, मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड। फिर इसे हटा के मटर को चला लें। हमें मटर को मीडियम फ्लेम पे लगभग 15 से 20 मिनट तक फ्राई करना है, जिससे कि हमारे मटर एकदम क्रंची हो जाए। अगर आपको एकदम क्रिस्पी और क्रंची नमकीन चाहिए, तो आपको 15 से 20 मिनट देने ही होंगे। अगर आप इसे जल्दी निकाल देंगे, तो हमारा मटर उतना क्रंची नहीं होगा। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये मटर को मैंने 5 मिनट कुक कर लिया है। ये देखिए, मटर का कलर हल्का चेंज हो गया है। 5 मिनट में ऐसा हो जाएगा। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, फ्लेम को कम नहीं करेंगे। ये लगभग मैंने 10 मिनट फ्राई कर लिया है। आप मटर का कलर देख सकते हैं कि चेंज हो गया है, बहुत ही ज्यादा थोड़ी क्रंची लगने लगा है। इसे हम लगभग 10 मिनट और कुक करेंगे। आप मार्केट में जो हरे मटर की क्रिस्पी नमकीन खाते हैं ना, यकीन मानिए इसका टेस्ट एकदम वैसा ही आएगा, बहुत ही क्रिस्पी। ये मैंने 20 मिनट इसे कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मटर का कलर एकदम चेंज हो गया है, और आपको देखने से भी समझ में आ रहा होगा कि ये एकदम क्रिस्पी हो गया है। अगर आपको चेक करना है, तो आप 2 मटर को निकाल के बाहर रख दें, थोड़ा ठंडा होने के बाद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे गैस मैंने बंद कर दिया है और इसे एक मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ, एक प्लेट में। ये सारे मटर को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब एक टिश्यू पेपर लेके इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब करा लेंगे। ये देखिए, टिश्यू पेपर ने ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया। इसे हमें धीरे धीरे ही प्रेस करना है, ज्यादा जोर से नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। अगर आपको हींग का टेस्ट पसंद है, तब आप इसमें डालें, नहीं तो हींग को स्किप भी कर सकते हैं। 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 से 3 चुटकी चाट मसाला। और इसमें मिला देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। आप इन सभी मसालों की क्वांटिटी अपने टेस्ट अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब एक स्पून की सहायता से इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे हरे मटर के क्रिस्पी और
क्रंची नमकीन बनके रेडी है। अब एक स्पून की सहायता से मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख के 20 से 25 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई इजी एंड क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।